एंटासिड टैबलेट फ्रॉम इंडिया। एंटासिड टैबलेट मतलब एंटी एसिड टैबलेट, जो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी वाली जो टैबलेट बहुत सस्ती सस्ती आती है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, इंडिया से इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोग हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देती है, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, यहाँ पे दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है, इसलिए आप एंटासिड जो हमने आज टॉपिक सेलेक्ट किया, ये टैबलेट एक्सपोर्ट करके 5 लाख रुपये आप कैसे कमा सकते हैं, एक एक कैलकुलेशन आपके लिए लिख के लेके आऊं। इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही देख लेते हैं किस तरीके की जो एंटासिड यानी एंटी एसिड टैबलेट्स हैं वो किस तरीके की दिख दिए। ये इस तरीके की जो एंटी एसिड टैबलेट्स हैं, ये एंटी एसिड टैबलेट्स आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते कर सकते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है और बहुत लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं, क्योंकि हमारे पास गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो ही स्टेट में हमारे पास में मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट्स हैं, तो हमारे पास में सर्टिफिकेशन की कमी नहीं है और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट इसमें कुछ बेनिफिट्स भी दे रही है कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी कमा के हमारी कंट्री में लेके आओ, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करो और हम आपको इंसेंटिव देंगे। सो इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है आपको, बहुत अच्छा DBK आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जो आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है, 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। अगर मैं IES की बात करूँ यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो 3% मिल रहा है MSME वालों को और मर्चेंट एक्सपोर्टर को नहीं मिल रहा है। अगर मैं RODTP की बात करूँ यानी रोड टेप रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो आपको मिल रहा है 0.8% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जितना भी आपका फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है उसका सीधा सीधा 0.8% मिल रहा है आपको RODTP। और इसमें GST की बात करें तो पूरा GST आपको लगता है, 12% का GST आपको यहाँ लग रहा है जो कि आपको रिफंड हो जाता है। अब अगर मैं आगे बात करूँ, उससे पहले बता दूँ, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, जो 17 सालों में हमने कर करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में आपको पूरा सिखा देते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है और ट्रेनिंग के बाद आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। एक एक कैलकुलेशन आपके लिए टाइम सेव करने के लिए आपका लेके आया हूं, ध्यान से जरूर देखिए। जब आप एक टैबलेट ही खरीदते हैं, पर पीस 5 रुपए से 10 रुपए तक का आपको ये रेट में मिल जाता है, अगर आप इसकी अच्छी सोर्सिंग करते हैं, बल्क क्वांटिटी में करते हैं, जैसे कि आप इसका 1 लाख पीसेस अगर खरीद रहे हैं, 1 लाख पीस भी खरीदते हैं तो 10 रुपये का आपको आराम से पड़ जाता है, और जब इसको खरीदते हैं 1 लाख पीस तो 10 लाख रुपये का आपका बाइंग प्राइस हो जाता है, और 1 लाख रुपये में हमेशा लिख लेता हूं जो आपका 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला होता है, पैकेजिंग का या फिर लोडिंग अनलोडिंग का या फिर गुड्स इंश्योरेंस का, लोकल मर्चेंट इंश्योरेंस जो रहता है या फिर कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, वो टोटल आपका इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 1 लाख रुपीज़ लिख लेता हूं। और देखिए इधर ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो वो गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स है, जैसे GST DBK या फिर RODTP हो गया, तो टोटल बेनिफिट्स आपको मिल रहा है 14.10, कितना मिल रहा है 14.10%। अब मॉनेटरी फॉर्म में बताइए सर, परसेंटेज में नहीं, मॉनेटरी फॉर्म में बताइए, तो 1,41,000 रुपये गवर्नमेंट के बेनिफिट्स कितना, 1.41 लाख रुपीज़ आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे फाइनल बाइंग प्राइस से हम गवर्नमेंट के बेनिफिट्स माइनस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो हमारे पास आने ही वाले हैं। सो फाइनल बाइंग प्राइस हो जाता है, फाइनल बाइंग प्राइस 10 लाख रुपए जितने में हमने सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का हमारा खर्चा आ जाता है जो हमारा लोकल खर्चा है, और उसमें हम ये गवर्नमेंट के बेनिफिट माइनस कर देंगे 1.41 लाख रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 9.59 लाख रुपीज़ का आपका फाइनल बाइंग प्राइस हो गया। अब इसका सेल प्राइस क्या है, इसका FOB प्राइस क्या है, फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू इसकी आ रही है वो FOB प्राइस आ रहा 15 रुपये से 25 रुपये पर पीस आ रही है, तो अगर इसका मिनिमम प्राइस भी लेके चलते 15 रुपये भी लेके चलते और आप 1 लाख पीस इसकी बेच पाते, एक्सपोर्ट कर पाते, तो 15 लाख रुपए का आपका शिपमेंट चला जाता है। अब इसमें नेट बेनिफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसको देखते हैं, 15 लाख रुपए माइनस 9.59 लाख रुपीज, ये हो गया 5.41 लाख रुपीज,
यानी हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी इससे 5 लाख रुपए कमा सकता है, 5.41 लाख रुपीज, यानी 5 लाख रुपए एवरेज एक्सपोर्टर भी कमा सकता है। बात करूं कि डिमांड कहां पे है, पहले वो तो बता दीजिए सर कि कहां कहां इसकी डिमांड है। वो टॉप 5 कंट्री में सबसे पहले पायदान पे आता है सेलिस, तो वो 600 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एज पर वोल्जा डाटा। सेकंड नंबर की बात करें तो घाना आता है, घाना भी 530 शिपमेंट्स खरीद रहा है पर ईयर एज पर वोल्जा डाटा। यूएसए भी 470 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है हमसे। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे केनिया आता है, केनिया भी 250 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है एंटी एसिड टैबलेट्स का, जो एंटासिड टैबलेट नाम रखा गया है। अगर मैं बात करूं लिस्थो, तो ये बेसिकली 224 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें एचएस कोड तो आपको लगता ही लगता है, तो ये 30 नंबर चैप्टर में आता है और इसका सब चैप्टर 04 है, तो इसका एचएस कोड हो जाता है 30 यानी 30049010। इसको आप इजिली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रोसेस की, तो सभी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस सेम होता है कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, फिर आपको बायर फाइंड करना। बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स बताए जाते हैं ट्रेनिंग में, सारे इंप्लीमेंट कीजिए। अगर वो भी आपको ज़्यादा बड़ा काम लग रहा है कि वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, सो अगर वो भी आपको नहीं करना, आपके पास पैसा है तो पैसा फेंक के डायरेक्ट आप तमाशा देखो, आप डायरेक्ट पक्का पकाया माल ले सकते हैं, रेडीमेड लिस्ट ले सकते हैं वोल्जा से। हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है, इसमें बायर सप्लायर, बायर का नाम, सप्लायर का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उनके वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह सब कुछ यहां डिटेल आपको मिल जाएगी। जब आपने बायर फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको बायर को वेरीफाई करना है, जो कि आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सारी ट्रिप आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए जो आपको सिखाया जाता है कि इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो सारे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ट्रिक्स बताई हुई है सारी इंप्लीमेंट कीजिए, और जो आपका बायर हो जाए वेरीफाई, उसके बाद उसको आपको कन्विंस करना है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्या खरीदूं, क्या आपका यूएसपी, क्या यूनिक पॉइंट है। वो जो आपका यूएसपी रेडी कराते हैं ट्रेनिंग में, वो सारा आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, और जब आपका पेमेंट आ जाए फिर आप उसका कर दीजिए बीआरसी, यानी ईबीआरसी जो आजकल होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेस का सबसे लास्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी है, वो करना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अगर वो नहीं किया तो आरबीआई से आ जाता है नोटिस। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको क्या लगने वाली है, तो इसमें फार्मेसी ली लगने वाली, क्योंकि फार्मा प्रोडक्ट है, जिसका आरसीएमसी 21,240 रुपये इनिशियली आप लेके ले सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं बात करूं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले जो टॉप 5 कंट्रीज है, उसमें सबसे पहले पायदान पे हम ही लोग आते हैं। हम लोग 6,000 शिपमेंट्स कर रहे हैं, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग 6,000 शिपमेंट्स ऑफ एंटासिक टैबलेट, जो एंटी एसिड टैबलेट्स होती है। सेकेंड नंबर पर साउथ अफ्रीका आता है, वो 183 शिपमेंट्स पर ईयर कर पा रहा है एंटासिड टैबलेट का। यूएसए 110 शिपमेंट्स कर पा रहा है एज पर वोल्जा डाटा। फ्रांस 54 शिपमेंट्स कर रहा है एज पर वोल्जा डाटा। और स्पेन की बात करूं तो स्पेन भी 34 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है एंटासिड टैबलेट का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस माना चाहता है, या फिर किसी का मेडिकल स्टोर है, या फिर कोई मेडिकल स्टोर पर जॉब करता है, या कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है, या कोई डॉक्टर है, या फिर कोई भी इस मेडिसिन लाइन से कनेक्टेड है, उसको आप जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का इससे माइंड इग्नाइट हो जाए और किसी का इससे काम चालू हो जाए, वो फर्दर और इससे रिसर्च करे और आगे इसमें डीप ट्रेनिंग करके, डीप स्टेप बाय स्टेप सही मेंटर के साथ में इसमें आगे जा सके और उसका काम स्टार्ट हो सके, वो एक बिजनेसमैन बन सके और वो दो लोगों को और नौकरी दे सके, उनका घर चल सके और वो आपको दुआ दे सके इनडायरेक्टली। तो आप ऐसा काम जरूर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट जो है मैं बड़े चाव से अपने दिल की गहराइयों से पढ़ता हूं, उनको रीड करता हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं, उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। और आप ऐसे हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।